दोस्तों आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वो अगर आप नई कार ले रहे हैं तो पुरानी ले रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी जो आप नई या पुरानी खरीद रहे हैं तो उसका इंजन खुला है या इंजन में कोई छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं। ये सब कुछ आप इस वीडियो में पूरा जानकारी पाने वाले हैं कि कहाँ पे छेड़ा गया है कहाँ पे नहीं छेड़ा गया है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। कि अगर आप नई गाड़ी जैसा PDI होता है ना, कि गाड़ी प्री डिलीवरी व्हीकल यानी कि जो है चेक आउट होता है, जैसे अगर आप कोई नई कार खरीदते हैं तो PDI उसका होता है कि पूरा गाड़ी चेक किया जाता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसमें हम आपको बताएंगे PDI से पहले ही आप या उसके बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी में कोई छेड़छाड़ हुआ है या नहीं। वो सब आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, वो आप सेकंड लेते हैं तो या नहीं लेते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो चेसी है वो तो खैर यहाँ पर है बोलेरो में, अदर गाड़ियों में यहाँ पर होती है। उसको चेसी को आपको देखना है कि ये चीज़ हमारा बढ़िया से फिटिंग है कि नहीं, कहीं पर उस पर स्क्रेच या कहीं पर बैंड या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ इसकी जो चेसी है इसको भी आपको बराबर चेक करना है, या पर इसके पेंट और कलर को भी ये पूरा इस तरह से नोटिस करना है कि हाँ हमारा ये गाड़ी पे कहीं दोबारा से डेंट पेंट तो नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको पूरा नोटिस करना है, खास कर इन स्टिकर्स को, यहाँ पर अगर डेंट पेंट होगा तो ये स्टिकर दोबारा नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरी चेसी को आपको ये बराबर पूरा बराबर से चेक कर लेना है, और यहाँ से भी आप पूरा इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप देखिए इसका जो ये यहाँ पर देखिए पूरा ये निशान दिया गया है, और ये चीज़ आपको पूरा दोबारा अगर टूटा तो ये नहीं मिलता है। ये चीज़ आप नोटिस करिए एकदम ध्यान से, और ये चीज़ यहाँ पर देखिए मार्क लगाया गया है, ठीक है ये चीज़। उसके बाद अब इसके जो नट हैं, नटों पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर नटों पे भी आपको निशान मिल रहा है, इन निशान को गौर कीजिए। उसके बाद आप चलिए इंजन का हम आपको बताते हैं, यहाँ पर पूरी चेसी वगैरह इस तरह से बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इंजन में क्या छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं। देखिए ये कंपनी की तरह फिटिंग किया गया है, देखिए अब यहाँ पर ये लाइन दी गई है, ये देख रहे हो निशान, ये पूरा इस तरह से लाइनिंग आएगा। अगर ये दोबारा इसको दबा के अगर ये छेड़ा छाड़ा गया तो ये लाइनिंग ठीक से बैठेगा नहीं, और ये चीज़ भी इस पर नहीं आएगा। जैसे कि आप देखते हैं लोहा ये आपका ये रबर वाला है तो ये आपका मैचिंग नहीं करेगा, ये चीज़ आप नोटिस करिए। और उसके बाद यहाँ पर भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर है ये, और इस पर प्लास्टिक पर नहीं चढ़ा, इसको प्लास्टिक पर भी चढ़ाना चाहिए था तो इससे आइडिया लग जाता। जैसे ये चीज़ आप देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ऐसा निशान लगा दिए तो ये इसका मतलब छेड़ा नहीं गया, छेड़ने के बाद ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए। और यहाँ पर ये चीज़ पे तो दिया लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, इसको भी पूरा सही से महिंद्रा वालों को देना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा ये रहना चाहिए, इसको ये दोबारा लगने पे ये गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आप कर सकते हो कि जैसे ये चीज़ है ना, ये इस तरफ वाला इधर है और इस तरफ वाला इधर है, तो इस चीज़ से भी आप चेकआउट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर निशान खैर रेड वाला दिया है यानी सीधा सीधा मिलाया गया है, तो इसमें भी कुछ आप यहाँ पर डाउट कर सकते हैं। अगर ये डिक्लाइन है यानी कि लाइन से दूसरी लाइन पे है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिया गया है, अब इसकी लाइन से यहाँ पर चाहिए जैसे ऐसा, ठीक है, या फिर ये इस तरह चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये चीज़ बराबर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लाइनिंग है या पूरी लाइनिंग है सीधी दी गई है, यहाँ पर इस नट का पूरा लाइनिंग देखिए सीधा दिया गया है, यहाँ पर भी नट का पूरा लाइन सीधा यानी कि ये क्लियर है आपका, यहाँ पर भी थोड़ा सा या मिसमैच यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है ये चीज़ से आप नोटिस कर सकते हैं गाड़ी का, ठीक है ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पर जैसे आप नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये पूरा एकदम सीधा है। यहाँ पर देखेंगे ये नट जो है, नट पे निशान है लेकिन यहाँ पर ये निशान है ऐसा ही सीधा ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, दूसरा यहाँ पर ये पूरा निशान ऐसा निशान चाहिए जैसे ये निशान है, देखिए यहाँ से लेके और पर, अब इसमें बिल्कुल 100% कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, यह आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा सीधा सीधा है, कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं हुआ है। इस तरह से आप अपने इंजन के बारे में भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पूरा एकदम सीधा सीधा है, यहाँ पर भी ये पूरा सीधा सीधा यहाँ पर दिया गया है, इससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये पूरा इस तरह से यहाँ पर भी पूरा लगा हुआ है, यहाँ पर भी पूरा ऐसा लगा हुआ है, तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए पूरा इस तरह से रहेगा, ये बैटरी का भी देख सकते हैं पूरा इस तरह से दिया गया है, तो इससे आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पूरा यानी कि इस बैटरी वाले पार्ट्स को खोला नहीं गया, यहाँ से देखिए पूरा यह निशान दिख रहा होगा आपको, तो इससे भी आइडिया लग जाएगा कि हमारी बैटरी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो ऐसे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी सेफ़ है कितनी नहीं है, और चेसी से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी चेसी जो है या सस्पेंशन, यहाँ पर आपको सस्पेंशन रबड़ मिलेगा, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हमारा ये खुला है कि नहीं खुला है।
तो इस वाले में नहीं दिखेगा, कार में आपको दिख जाएगा, ठीक है। बाकी इसे आप आइडिया लगा सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, जिसे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी सेफ है, कितना छेड़छाड़ हुआ या नहीं, कितना आप शुद्ध गाड़ी पा रहे हैं। तो वीडियो अगर हमारी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।